यारो जैसे फिफ्टी थाउजेंड का प्राइस पॉइंट एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप के लिए अच्छा माना जाता है उसी तरह से के प्राइस पॉइंट को मैं मिड रेंज के गेमिंग लैपटॉप के लिए एक अच्छा प्राइस पॉइंट मानता हूँ बट एक अच्छे मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप के लिए थर्टी फिफ्टी एंड थर्टी टी आई जीपीओ ही होने चाहिए इनसे ऊपर मिल जाए तो और भी अच्छा अगर आपको मल्टी टास्किंग करनी है बनती कोशिश एटी थाउजेंड के प्राइस पॉइंट पर ऑक्टा कोर चिपसेट वाले लैपटॉप ही आप लोग बाकी और भी बारीक पॉइंट है लाइक like जीपीओ की टीजीपी डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट एस आर जी वगैरह ऐसे बहुत सारे माइनर पॉइंट है इन सभी माइनर एंड पॉइंट को ध्यान में रखे बेस्ट वीडियो इज ऑफरिंग यू लिस्ट ऑफ फाइव बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो की आपको सेवेंटी थाउजेंड के आसपास मिलते हैं दोस्तों लिस्ट का पांचवा लैपटॉप है एम गेमिंग जी एफ सिक्स थ्री लैपटॉप लिस्ट में मौजूद है केवल इसके चिपसेट की वजह से अगर आपको सेवेंटी थाउजेंड के आसपास एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसकी बिल्ड अच्छी हो जीबी एंड गेमिंग परफॉर्मेंस में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो बट आपको सीपी चाहिए सबसे अच्छा देन एम एस आई का ये लैपटॉप आपके लिए है अभी दो तीन दिन में इस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू भी आने वाला है बट अभी के लिए आप जान लो इस लैपटॉप में आपको आई सेवन इलेवन एट हंड्रेड आई चिप मिलता है जो कि एक बहुत कैपेबल चिपसेट है आई सेवन इलेवन एट हंड्रेड एच में आपको एट कोर्स मिलते हैं ये चिपसेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट दोस्तों चिपसेट के अलावा इस लैपटॉप में हर जगह से कॉस्ट कटिंग करी गई है एंडर कॉन एट की 8GB आपको रैम मिलती है रैम को आप सिक्सटी तक अपग्रेड कर सकते हो पांच सौ की आपको मिलेगी एस एस डी थर्टी फिफ्टी इस लैपटॉप में बट इतने काम का नहीं है बिकॉज टी आपको मिलती है केवल और केवल फोर्टी वॉच की नो TGP वाले के हिसाब से बहुत अच्छा करता है आसपास के, के गेमिंग लैपटॉप में आपको थर्टी फिफ्टी जीपी मिल रहे हैं so, गेमिंग में तो, उनकी बराबरी नहीं कर सकता बाकी MSI का है यार क्वालिटी बहुत सही है थर्मल्स भी आपको अच्छे मिलते हैं एंड वैसे भी फोर्टी वॉट जीबी में इतना गर्म ये लैपटॉप नहीं होता ओवरऑल इट्स फॉर दोस्त जिनको प्रोसेसर से मेन काम है दोस्तों का ये लैपटॉप आपको मिलेगा और यार इंक्लूडेड सभी गेमिंग लैपटॉप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी

पर भी अच्छे से कम करता है ना उसे मिलता है ताज, का। so याद रखना, अपने मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप को भी ध्यान से यूज करना क्योंकि गिरते ही वो भी टूटेगा पांच सौ बारह जीबी एस एस डी मिलती है रीजन बींगे काफी स्लिम है प्रॉपर एयर वैंड को बट एवटी जीबी वाले जीपीओ के लिए इतना गर्म भी नहीं होता है की ब्रेक करो। आपको तब खरीदना चाहिए जब यू वॉन्टिंग

थर्टी फिफ्टी जीपी वाला लैपटॉप नाइन्टी वी जीपी के साथ में आता है डिस्प्ले इस लैपटॉप का कम्पेटिवली बड़ा है सिक्सटीन पॉइंट वन इंच का फुल एच डी आईपीएस डिस्प्ले है वन फोर्टी फोर हर्ट के आपको मिल जाएगी रिफ्रेश रेट सेवन मिली सेकंड का रिस्पॉस टाइम एचपी विकटेस आपको ऑफर करता है देखो अगर हम कंपेयर करें लिस्ट के बाकी लैपटॉप के डिस्प्ले से देन कोई इतना मेजर अंतर नहीं है लिस्ट के लगभग सभी लैपटॉप के डिस्प्ले में आपको नाइन से इलेवन मिली सेकंड के बीच का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है एंड विकटेस दे रहा है आपको सेवन मिली सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम तो यार ठीक है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है थर्मल्स विकटेस के बहुत सही है बट याद रखना यार लैपटॉप ढाई किलो के आसपास का है इतना इजी टू कैरी नहीं होगा बट लैपटॉप दिखता अच्छा है परफॉर्मेंस अच्छी है वैल्यू फॉर मनी लैप निकालती है मेरे हिसाब से ये अगला लैपटॉप भी कुछ वैसा ही है, टू, वी है गेमिंग A15, के फुल एच डी डिस्प्ले वाला लैपटॉप वन फोर्टी फोर हर्ट्स की रिफ्रेश रेट आपको ऑफर करता है यार लैपटॉप का डिस्प्ले पैनल आईपीएस नहीं है आईपीएस लेवल पैनल डिस्प्ले आपको मिलता है जिसको अगर हम कंपेयर करें प्रॉपर आईपीएस पैनल डिस्प्ले पैनल आपको कलर में दस पंद्रह परसेंट का अंतर तो दिखेगा बट इट्सट राइजन सेवन फोर्टी एट हंड्रेड एच चिप सेट इसको करें पिछले आई फाइव और राइजन फाइव ऐसी बीस ऐसी पच्चीस परसेंट का परफॉर्मेंस गैप मिलता है एंड एट जीबी की रैम आपको मिलती है जो की अगेन थर्टी टू हंड्रेड मेगा हर्ट परीबी की आपको एम डॉट टू एस एस डी मिलती है,